प्रिंटेड एज ए सम ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो वहां पर मैंने यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए एक मेथड बताया था। मैंने कहा था जब भी कभी ऐसा करना हो तो दो चीजें मान लेते हैं और उन दोनों को बराबर प्रूफ कर देते हैं। ये हम लोग मैट्रिक्स में एक थ्योरम थी वहां पर कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। देखो फिर समझाते हैं, कह रहे हैं कि फंक्शन का इनवर्स यूनिक होगा। तो मैंने कहा मान लो लेट एक फंक्शन है एक्स टू वाई, है ना, यही इसने दिया है। मैंने कहा मान लो लेट एफ हैज टू इनवर्सेस। मैंने कहा मान लो कि एफ जो है इसके दो इनवर्स हैं, मान लो जी वन और जी टू, मान लो एफ के दो इनवर्स हैं जी वन और जी टू। अब हमें प्रूव करना होगा कि जी वन और जी टू आपस में बराबर हैं। देखो अगर ये दो इनवर्स है, मैंने क्या बताया था, इनवर्स की कंडीशन होती है कि अगर हम एफ को जी वन के साथ में ऑपरेट करेंगे, है ना, तो हमेशा वही आएगा। एफ को अगर हम जी वन के साथ में ऑपरेट करेंगे तो हमेशा वही आएगा। अब यहां पर कायदे में वाई लिखना चाहिए क्योंकि जी वन जो है ना, जी वन वो इनवर्स है। जैसे एफ अगर एक्स से वाई है तो जी वन क्या होगा, वाई से एक्स होगा। तो जी वन जो ऑपरेट होगा ना, वो देखो देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझो, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ जी वन ऑफ एक्स, और जी वन एक्स पर, देखो एफ एक्स पर ऑपरेट होगा और वाई देगा, जी वन क्या करेगा, वाई को लेकर एक्स देगा। एफ जो है वो एक्स का एलिमेंट लेगा और आंसर वाई में देगा, जी क्या करेगा, वाई का एलिमेंट लेगा और आंसर एक्स में देगा। तो जी वन जो है ना वो एक्स पर नहीं लगेगा, वाई पर लगेगा। तो कायदे में यहां वाई लिखना चाहिए, ज्यादा करेक्ट ही है, और अगर एक्स भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, ये बात ध्यान दो, क्योंकि तो जी वन एक्स पर आएगा। अच्छा जी वन भी इनवर्स है और जी टू भी इनवर्स है, तो जी टू भी इस कंडीशन को पूरा करेगा क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो अगर वो एक्स पर ऑपरेट होते हैं तो एक्स ही आंसर देते हैं, ध्यान देना, जिस पॉइंट पर ऑपरेट होते हैं वही आंसर देते हैं। ये थ्योरम तुमको मैंने बताई अभी, क्योंकि जी वन जी टू दो इनवर्स है, दोनों इस कंडीशन को पूरा करेंगे। अब देखो ये भी वाई और ये भी वाई दोनों को बराबर कर दो तो क्या हुआ, देखो एफ ओ जी वन ऑफ वाई बराबर एफ ओ जी टू ऑफ वाई, इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी वन वाई बराबर एफ ऑफ जी टू वाई। अब देखो चूंकि एफ फंक्शन वन वन होगा तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वन वन की कंडीशन क्या होती थी कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर एक्स टू, ये कंडीशन होती थी वन वन की। तो समझो ये हो गया एक्स वन और ये हो गया एक्स टू, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, तो लिख सकते हैं क्या, एक्स वन बराबर एक्स टू, समझे, क्योंकि तो वन वन की यही कंडीशन होती थी। अब देखो एफ वन वन है, अच्छा जी भी तो वन वन है क्योंकि जी इनवर्स है और इनवर्स हमेशा वन वन ऑन टू होता है, तो अगर जी इनवर्स है तो जी में भी, तो यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से देखो हम लोग कह सकते हैं, अच्छा जी वन जी टू बराबर हो गए, क्या कह सकते, जरूरत ही नहीं कहने की भाई, यही तो प्रूफ करना था कि जी वन जी टू बराबर है, देखो बराबर आ गए। मतलब अगर हम दो इनवर्स मान के चले तो असल में वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो बराबर आ गए, इसका मतलब इसका इनवर्स यूनिक है, दो इनवर्स नहीं है। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, इस प्रूविंग के इस तरीकों को कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब जो प्रूव करना है ना उसके अपोजिट मान लो, जैसे प्रूव करना था यूनिक इनवर्स है तो मान लिया कि दो हैं। जैसे आपको याद है 9th क्लास में एक आप क्वेश्चन प्रूव करते थे कि प्रूव करो रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो आप रूट टू को पी वाई क्यू मान के चलते थे, उल्टा मानते थे। मतलब जो प्रूव करना है ना
वो नहीं, उसका उल्टा मानते थे। बहुत बढ़िया, याद आया ना, रूट टू को रैशनल मान लेते थे और सब मिक्सअप मिक्सअप करके कुछ गलत सामने दिखा देते थे, वही यहाँ पर किया। इसे कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, अच्छा तो ये सवाल हमने देखो कर लिया है ना। अच्छा, ग्यारहवां भी सवाल काफी इजी है, देखो ग्यारहवां भी कर लेते हैं। मेरे मित्रवा मेरे मित्रे, देखो F है 1 2 3 से लेकर के A B C, मतलब ये F का डोमेन, ये को डोमेन, और कह रहे हैं ऐसे है F 1 बराबर A है, F 2 बराबर B है और F 3 बराबर C है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ये शो करना है, मतलब कह रहे हैं कि F इनवर्स का भी इनवर्स F होगा, और वो तुम जानते ही हैं। मतलब जैसे अगर F इनवर्स है ना, F का इनवर्स क्या है, F इनवर्स है, F का इनवर्स F इनवर्स है, तो F इनवर्स का भी F यही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका इनवर्स ही है तो इसका इनवर्स ही, तो इसका इनवर्स करोगे तो फिर यही आ जाएगा। मैंने बताया था डबल इनवर्स उसी के बराबर होता है, एक ही बात है। डबल इनवर्स कह लो या ऐसे कह लो कि F इनवर्स का इनवर्स F के बराबर होता है, बहुत बराबर है, या कह दो डबल इनवर्स F के बराबर होता है, बहुत बराबर है, समझे। देखो ये फंक्शन क्या दिया गया, देखो इसमें ऐसे दिया गया है, यहां पर है 1 2 3 और यहां पर है एबीसी। 1 गया ए पर, 2 गया बी पर, 3 गया सी पर, तो देखो 1 1 on 2 है ये, समझे, 1 1 on 2 है। तो ये चूंकि F है, F क्या है बोलो, 1 1 on 2, तो F का इनवर्स क्या होगा, F का इनवर्स होगा यहां पर अगर एबीसी ले, यहां 1 2 3 ले, तो F इनवर्स क्या होगा, A जाएगा 1 पर, ये जाएगा यहां पर, ये जाएगा यहां। अब देखो F इनवर्स ये आ गया, और F इनवर्स भी बाइजेक्टिव है, तो इसका फिर से इनवर्स निकालो, तो इसका फिर से इनवर्स निकालोगे, तो जैसे F में डोमेन ये, रेंज ये, F इनवर्स में डोमेन ये, रेंज ये, तो इसका फिर से इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा, 1 2 3 यहां आ जाएगा और एबीसी यहां चला जाएगा, तो क्या हुआ बोलो, 1 गया ए पर, ये गया यहां पर, ये गया यहां पर, तो को फिर से ये F के ही बराबर आ गया, F यही तो था, तो F इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकाल लोगे तो F आएगा। यही बात तुमको मैंने मैट्रिक्स में बताई थी कि A डबल इनवर्स बराबर A, मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर भी A होता था, याद रखना, दोनों में सेम कंडीशन है, समझे। अच्छा बारहवां सवाल भी तो यही है, ग्यारहवां बारहवां सेम ही तो है यार, समझ गए। अच्छा आसान है, बारहवां कर लेना, बारहवां ग्यारहवां यही है, ठीक है। देखो तेरहवां क्या है, F का कंपोजिशन F के साथ ही चाहिए, ये भी देखो आईटी का आया हुआ सवाल है, तेरहवां कर लेते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ऐसा है ना, जैसे कि मान लो अगर F का इनवर्स G है, तो G का इनवर्स क्या होगा, F, भाई F का इनवर्स G है तो G का इनवर्स F, अब G की जगह ये वैल्यू लग दो, तो F इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, F, ऐसे ही प्रूव हो गया भाई, F इनवर्स अगर G है तो G इनवर्स F होगा, अब G की जगह पर ना, G की जगह पर ये लिख दो F इनवर्स, तो G की जगह F इनवर्स लिखोगे तो F इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, F, यही तो प्रूव करना है कि F का डबल इनवर्स F हो गया प्रूव हो गया बोलो। चलो खैर देखो तेरहवां, देखो तेरहवें में क्या है,
एफ दिया है आर से आर, और एफ एक्स क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स चाहिए, जो कर लेते हैं आसान है, बहुत इजी है। देखो क्या होगा, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ एफ ब्रैकेट एक्स। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू रख दो तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 लिख दी। अब देखो समझो, एक्स की जगह पर ये टर्म रखना है इसमें ना, एक्स की जगह पर ये टर्म लिखना है। देखो ध्यान दो बहुत सावधानी से, देखो 3 माइनस एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर देखो ये आ गया, तो यहां भी आएगा क्या होगा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3 और है, ब्रैकेट क्लोज, और पूरे की पावर 1/3 ऐसा है। मतलब इस एक्स की जगह ये लिखो केवल, क्योंकि देखो एक्स की जगह ये आ रहा है, तो एक्स की जगह ये लिख दो, समझे। अब देखो क्या हुआ इसके बाद, इजी है, ये पावर पे पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 यानी कि एक्स हो गया। यानी कि फंक्शन का कंपोजिशन खुद के साथ ही निकाला, एक्स हो गया, यानी कि एफ इनवर्स क्या होगा, एफ के ही बराबर होगा। इसमें भी अगर इस सवाल में एफ इनवर्स पूछते तो इसी फंक्शन के ही बराबर हो जाता, समझ गए, आईआईटी का वो सवाल है ये। 14 सवाल देखो बेटा वही है, फंक्शन का इनवर्स पूछा है, एफ फंक्शन दिया गया है ना, इनवर्स ऑफ एफ इज मैप जी फ्रॉम, अच्छा देखो ऐसा है ना, समझो लिखो लिखो, थोड़ा सा घुमा दिया है, तुम भाषा में फंसा दिया है, भाषा 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 भास्कर, भाषा में तुमको लैंग्वेज में फंसा दिया है फंसाने वालों ने, परेशान मत हो। देखो ऐसे दिया है फंक्शन, डोमेन क्या है आर माइनस दिस, ये डोमेन है से आर, कोडोमेन क्या है आर, ये पूरा डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है 4x/3x+4 और x नॉट इक्वल टू -4/3, वो तो दे गई। देखो तभी तो डोमेन में से ये पॉइंट निकाला, यहां इसको ये बात लिखनी नहीं चाहिए थी क्योंकि डोमेन दे ही दिया इसने ये, भाई डिनोमिनेटर 0 कब होगा -4/3 पर, तभी तो r में से ये पॉइंट निकाला, तभी देखो ये डोमेन दिया गया ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी कोई देने की क्योंकि डोमेन तो दे ही चुका था ना पहले, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। अच्छा अब देखो, अब देखो कह रहे हैं कि f अगर ये ले लिया जाए, डोमेन यही रखा जाए और इसका जो कोडोमेन है वो इसका रेंज कर दिया जाए, अगर इस फंक्शन का डोमेन यही रखा जाए और कोडोमेन की जगह रेंज कर दिया जाए तो ये फंक्शन 1/1/2 हो जाएगा। अभी जैसे हमने ये सवाल देखो पीछे किया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसे किया था ना, बिल्कुल वही है क्वेश्चन 6 जैसे किया था अभी, क्योंकि अगर आप कोडोमेन की जगह रेंज कर दोगे तो 1/1/2 हो जाएगा। अब 1/1/2 हो जाएगा, बिल्कुल कर लेना, 1/1 भी ऑन टू भी कर लेना, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स को इसने मान लिया है जी, तो जी फंक्शन क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, तो जी का डोमेन ये हो जाएगा और कोडोमेन देखो ये हो जाएगा, ठीक है ऐसे, ठीक है, ये वही अपना सेट ए और ये बी, तो यहां पर देखो ये ए ये बी, तो जी इनवर्स क्या हो गया, जी मतलब जी क्या है, एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स को मैंने जी मान लिया,
तो जी क्या हो गया, ये डोमेन और ये कोडोमेन। अब ये कह रहे हैं कि जी निकालो, तो जी मतलब आपको क्या चाहिए, इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए। कैसे निकालते हैं, क्या बोलो, वाई बराबर क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3xy प्लस 4y बराबर 4x, x कॉमन लो इधर लाके, तो 3y माइनस 4 बराबर 4y, तो x क्या हुआ, 4y अपॉन 3y माइनस 4। देखो यही हमारा, यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा इनवर्स आ गया, इसी को जी वाई कह दिया, तो 4y अपॉन 3y माइनस 4। ठीक है, 4y अपॉन 3y माइनस 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x कॉमन लिया, अच्छा अच्छा इधर जाएगा ये माइनस होगा, सॉरी 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 आई एम वेरी सॉरी तेरा नाम, देखो माइनस है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4y अपॉन, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का नीचे ले आओ, 4 माइनस 3y, तो ये देखो हो गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y, हाँ देखो ये b इसका आंसर हो गया, b वाला पार्ट, ये इनवर्स पूछा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज का समापन समारोह कर दिया। देखो एक बात तुमको बता दूं, 1.4 जो है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सस्पेंस है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है कोर्स से निकाल दिया जाए इस साल हमेशा हमेशा के लिए, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं, वैसे भी हो सकता है ये हमेशा के लिए कोर्स से निकाल दिया जाए, तो क्यों इसमें समय खराब करें, अगर कोर्स में रहेगा तो एक दिन में कभी इसको पढ़ लेंगे। बाइनरी ऑपरेशन जो 1.4 एक्सरसाइज है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज है, ये इजी होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो अगर ये कोर्स में रहेगा तो मैं तुमको इसको पढ़ा दूंगा, एक दिन का समय लगेगा, एक घंटे का लेक्चर होगा, ये निपट जाएगा, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसको 1.4 एक्सरसाइज को अभी रहने देते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज है, थोड़ा सस्पेंस है इसके बारे में, पता नहीं कोर्स में है कि नहीं है, फिर मैं तुमको अगले वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा दूंगा, हालांकि मिसलेनियस में भी बाइनरी की आएंगे तो बाइनरी छोड़ देंगे फिलहाल अभी, बाकी इजी होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाइनरी को छोड़ करके मिसलेनियस के सवाल में तुमको करा दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे बाइनरी को छोड़ करके, बाइनरी नहीं बाइनरी, ठीक है, तब तक के लिए बाय।